हाय गाइस, गुड इवनिंग। और देखिए, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विविडली स्पीकिंग। ठीक है, तो इसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमें लगता है कि आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, जो भी करंट टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों के साथ बात करने से ठीक रहेगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए, हमारा चैनल है बिना ब्रेन के इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की पहली न्यूज है डिसेबल्ड मैन लाइंस्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन इन पलवल। मतलब एक डिसेबल्ड आदमी जिसको एक ग्रुप ऑफ मैन ने बहुत बुरी तरीके से मार के मारी डाला। तो देखिए, अगर एक डिसेबल्ड आदमी के प्रति इनकी इतनी ज्यादा क्रूरता हो सकती है तो हम और आपके लिए तो आप सोच ही सकते हैं। और देखिए, इसमें इनकी गलती क्या थी तो ये पहले देख लेते हैं। एक 60 साल के बुजुर्ग थे जिसको दो दर्जन लगभग लोगों ने, यानी 24 लोगों के आसपास लोगों ने पलवल गांव के आसपास की बहुत इतना मारा कि वो मर गए। लेकिन अब इनकी गलती देखिए, गलती इनकी क्या थी वो सुनिएगा। कि इनके दो लड़कों से इस ग्रुप का ऑल्टरकेशन हुआ था, मतलब बहस हुई थी। और बहस किस चीज की हुई थी कि ये जो ग्रुप वाले लड़के हैं ये वीडियो बना रहे थे लड़कियों की। ठीक है, मतलब आती जाती लड़कियों की, स्कूल जाते हुए या फिर इधर उधर जाते हुए लड़कियों की वीडियो बना रही थी। और ये 60 साल के जो आदमी, इनके दोनों लड़कों ने उन्हें रोका वीडियो बनाने से। ठीक है, उसको लेकर कुछ बहस हुई तो 14 दिन बाद, देखिए फोर्टनाइट एगो, 14 दिन पहले हुई बहस को इन्होंने अंजाम दिया। 14 दिन बाद उनके घर गए उन्हें मारने पीटने, वो दो लड़के नहीं मिले तो उनके बाप को ही मार डाला। तो अब ये देखिए, 14 दिन तक इनका मेंटल स्टेटस समझिए क्या रहा होगा। तो देखिए, 14 दिन बाद इन्होंने ऐसा किया तो ये समझिए कि 14 दिन तक इनका मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा, है ना। 14 दिन तक इन्होंने प्लानिंग की। एक तो इनका काम देखिए, ये काम कैसा कर रहे थे। मतलब हमारे मोदी जी, हमारे पीएम जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको इन्होंने पैन इंडिया कर दिया। ठीक है, और ये बात होती है हमारे यहाँ कि बेटी होना मतलब काफी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। ठीक है, लक्ष्मी और पता नहीं हम क्या क्या नाम से बोलते हैं। और ये देखिए, 24 लोग कर क्या रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने उसके बाद क्या किया ये देखिए। ठीक है, नो अरेस्ट येट, ये भी देख लीजिए। मतलब अभी ये सिद्ध फिक्स नहीं हुआ है कि यही कर रहे थे, आरोप ऐसा लगा। लेकिन फिर भी जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो पैन इंडिया कर दिया गया है, हमारे देश के पीएम बार बार बोलते रहते हैं। देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से फॉलो भी करना चाहिए पुलिस को। ठीक है, और ये देखिए, आजकल की अगर आप लोग रोड पे निकलते हैं सब लोग, तो आप देखते भी होंगे कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, फिर भी हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर देश के सेक्शन में होता रहेगा कि आप वहां नहीं जाएंगे तो आप बचे रहेंगे या आपके घर की बहू बेटियां बची रहेंगी। देखिए, आज ही स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसी कोई भी चीज देखते हैं होती हुई तो उसको कॉन्फ्रंट करिए। अगर 10 लोग मिलकर खड़े हो जाएंगे तो इतने ज्यादा गलत करने वाले होते नहीं है जितना चुपचाप रह के और उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट मत करिए, वहां खड़े होके आप कम से कम बोलिए, कॉन्फ्रंट करिए, तो उसके बाद तो देखा जाएगा खैर क्या होता है। लेकिन कॉन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो कल को आपकी बेटियां आपकी बहनें भी बाहर निकलेंगी, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसा मत समझिए, ये जो प्रॉब्लम है ये भी पैन इंडिया हो गई है। ठीक है, ये भी हर जगह फैल चुकी है। तो इसको देखिए, अच्छा, नो अरेस्ट येट। ठीक है, 12 पीपल हैव बीन नेम्ड इन FIR बट नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार। ठीक है, ऑल द अक्यूज्ड आर ऑन रन। मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लड़कियों की, उसके बाद उसके बाप को मार दे रहे हैं, उसके बाद भाग भी जा रहे हैं। मतलब काफी ज्यादा एथलेटिक्स भी हैं। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जो ये मिल जाए तो। अगर पैन इंडिया जो है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर बेटियां हमारी लक्ष्मी और दुर्गा ये सब हैं, तो इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम इंडियंस में तो खास करें हम, मतलब इंग्लिश बोलने को इतना ज्यादा दिल पे ले लेते हैं ना। मतलब इंग्लिश बोलना जैसे पता नहीं क्या इंग्लिश बोलना हो गया। देखिए, मैं जो अगर आपके यहाँ हिंदू आ रहा है और आप हिंदू पढ़ रहे हैं, तो देखिए बेसिक आपका यही होगा कि वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए और ग्रामर अच्छा हो जाए। तो देखिए, वो हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में मत जाइए। अगर आपका 20% आपको इंग्लिश आती है, तो वो एडिटोरियल सेक्शन 80% इंग्लिश के हिसाब से बना है, जिसको 80% इंग्लिश क्लियर हो। तो उस सेक्शन में जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, खुद को डीमोरलाइज मत करिए। बल्कि जो न्यूज़पेपर का आगे का पीछे का, मतलब आगे से फ्रंट न्यूज़ जो है, स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है, डेली मेट्रो बेसिकली जो आता है, जो आपके शहर में क्या हो रहा है उसको पढ़िए। उसमें एक तो आपको न्यूज़ समझ में आएगी, और उसका लेवल जो है वो 50% के आसपास है। कई चीजें आपको समझ में आएंगी और वहां से भी आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एडिटोरियल के बीच अंधी दौड़ में मत दौड़िए, एडिटोरियल ही पढ़ना। दूसरा देखिए, एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आता है वो एडिटोरियल से मुश्किल से कोई सवाल पूछता है। अगर 7 क्वेश्चन एडिटोरियल का आ रहा है, उसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। करंट अफेयर्स इज जनरल अवेयरनेस, मतलब आप जनरली कितना अवेयर है आसपास की चीजों से, तो ये जनरल अवेयरनेस है। और अगर आप कल को ऑफिसर बनते हैं तो उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ये सब काउंट होती है कि आप एट द मोमेंट क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सोसाइटी की तरह आपकी क्या थिंकिंग है, किन चीजों को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। ठीक है, और देखिए, ये सार्क की कैपिटल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, ये सब याद करने से कुछ होगा नहीं। अपना देश अगर ऐसी चलता रहेगा तो काठमांडू भी भागना पड़ेगा एक बार जीने के लिए। देखिए, मूव करता हूँ आगे, नेक्स्ट देखिए, टीम थ्रैश्ड टू हेल्ड। अच्छा देखिए, ये न्यूज मैं कोई एक साल से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये पिछले 2 दिन की न्यूज है,
तो इतना ज्यादा अपसेट कर दिया कि वो वीडियो बनानी पड़ गई, तीन थ्रैश टू हेड। अब देखिए ये सस्पेक्टेड रोड रेज का केस है, मैं आपको केस बताता हूँ क्या है। एक औरत जो है वो गाड़ी पार्क कर रही थी, ठीक है, ये दो गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, ये ब्लैक कलर की कार के पीछे एक स्कूटी का लड़का, स्कूटी पर एक लड़का खड़ा था, और ये औरत जो है ये गाड़ी पार्क कर रही थी, ठीक है, मतलब ऐसा बताया गया अखबार में। अच्छा, फिर इस लड़की, इस औरत को इतनी ज्यादा जगह मिली नहीं, तो गाड़ी पार्क करने के लिए ब्लैक कार वाला गाड़ी बैक करने लगा, ठीक है, बैक करने के लिए स्कूटी वाले ने साइड से इस तरफ गाड़ी स्कूटी कर ली अपनी, ठीक है। उसके बाद ये औरत जो है इस स्कूटी वाले पे चिल्लाने लग गई, इसने भी नेचुरल रिप्लाई दिया। देखिए आजकल किसी को भी आप कुछ बोलेंगे तो चुप रहता नहीं है, सभी कुछ ना कुछ रिप्लाई करते हैं, तो ये बहुत बेसिक चीज है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद तो इतना तो सुन ही लेना चाहिए। अब देखिए ये कुछ बोली, इसने भी कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन मोहतरमा के हस्बैंड और उनके रिलेटिव ने आके इस लड़के को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि ये दो लोग थे, इन्हें मारना शुरू कर दिया, ये पांच लड़के होते एक स्कूटी पर तो इनका क्या हाल करते, ये सोचिए। लेकिन ये इन्होंने सोचा, यहां देखा कि ये कमजोर है, इसे मारना शुरू कर दिया। इनकी मेंटालिटी तो देखिए, मेंटालिटी का मतलब ये है कि हो सकता है इस लड़के ने ल्यूड कमेंट पास किया हो, जो कि ये मना कर रहा है, ठीक है, और सब मना ही करेंगे, कोई बताएगा नहीं मैंने किया था, ठीक है। अगर इसने ल्यूड कमेंट पास किया तो आप पुलिस को कॉल करिए और जो लॉ से बनता है वो करिए, ठीक है। कानून अपने हाथ में लेके खुद से मत वहां उसी समय डिसाइड करने लग जाएगी, हाँ ठीक है मैं करूंगा आप जो करूंगा। अरे भाई तुम कौन होते हो करने वाले, और ये इतनी बड़ी पुलिस की फौज खड़ी कर रखी है, क्या किस दिन काम आएगी ये? तो ये सब देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और जो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जैसे कि वो लोग मिल जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उसका मतलब ये है कि उन्हें कानून से सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब बचे ना कोई भी, ऐसे नहीं कि इधर ये करके वो बच जाए, ताकि जो बाकी अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम या कैसा भी क्राइम करना चाह रहा हो तो उसके मन में डर हो कि हाँ भाई ऐसा क्राइम करेंगे तो सजा मिलेगी, और टफ सजा मिलेगी, स्ट्रिक्ट सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, कोई नहीं मैं तो बच जाऊंगा, ठीक है। और देखिए फिर ये है कि ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, मतलब इतनी बुरी तरीके से मार दिया, मतलब हर्षित एलेक्ट दैट दे ट्राइड टू चोक हिम, मतलब गला दबाने भी चालू कर दिया, हिट हिम विद एन आयरन रॉड। तो देखिए मतलब गला भी दबाना शुरू कर दिया, लोहे की रॉड, मतलब इनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं रह गई कि आगे क्या होगा कैसे, भाई ये भी किसी के हो सकता है कि लोन अर्निंग मेंबर हो, ठीक है, अकेला कमाने वाला आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं, मारना शुरू हो जाओ तो मार डालो, मतलब जिसे मारना। अ फ्यू नेबर्स केम टू द स्टूडेंट्स रेस्क्यू, ठीक है, चलिए यहाँ तो कुछ हुआ, तो ऐसे होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्फ्रॉन्ट करना चाहिए आगे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और मतलब अगर इस लड़के की गलती हो तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए, बाकी इन्हें तो मिलनी ही चाहिए जिन्होंने मारा है, ठीक है। देखिए आगे मूव करता हूँ, देखिए ये न्यूज तो मतलब काफी, मतलब क्या ही बताऊं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थ्रैश्ड इन द्वारका, ठीक है, न्यू दिल्ली, ये तो काफी अच्छी जगह है। अ रिटायर्ड आर्मी कैप्टन एंड हिज फैमिली मेंबर्स वर एलिजिबली थ्रैश्ड बाय 5 men इन द्वारका ऑन May 13, द पुलिस सेड ऑन फ्राइडे। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक वेल डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड वो भी, मतलब जिसने 30-35 साल देश की सेवा की हो, अपने घर बार से अलग, बीवी बच्चे से अलग, माँ बाप से अलग रह के सिर्फ देश की सेवा की हो, और जब वो रिटायर हो जाता है और अपने, देखिए केस क्या हुआ कि अपने घर वालों के साथ खाना खाने गया बाहर, मॉल से वापस आया तो पार्किंग एरिया में इसके मतलब फैमिली की वुमेन्स पे ल्यूड कमेंट्स पास किए गए, मतलब भद्दे कमेंट्स पास किए गए, जब इसने उन्हें रोका तो उन्होंने इसे मारा। अब देखिए इन लोगों, जिन लोगों ने मारा उन लोगों का मेंटल लेवल या स्टेटस या जो भी, देखिए कि मतलब किस हिम्मत से इन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को इतना गंदा काम, इतना घिनौना काम करने के बाद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पे हाथ भी उठा दिया। अब ये सोचिए कि देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना ये न्यूज पढ़ के भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो उसके साथ हुई, हमें क्या करना। अपने आप को इनकी जगह रख के देखिए कि आप 60-65 साल की आपकी उम्र है और आप कहीं बाहर जाते हैं आपके बीवी बच्चों के साथ, तो इन सबके साथ आप बाहर जाते हैं, आपके माँ भी, आपके बाप भी है, वाइफ है, बेटी है, बेटा है, और वहां कोई आपके बेटी या वाइफ ऐसे कमेंट्स पास करे, उसके बाद आपको मारे भी, आप अपनी मनोवैज्ञानिक या फिर जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, है ना, व्हाट विल यू थिंक, ठीक है, मतलब आगे की जिंदगी आप कैसे जिएंगे, अपने घर वालों से नजर कैसे मिलाएंगे। तो जिस दिन आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे तो ऐसी चीजें बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम। देखिए हमारे पीएम कहीं भी स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं तो 70-75 भी देखिए उनकी एज है लगभग, लेकिन कहीं भी भाषण होता है, कुछ भी हो, वो फीमेल्स, बेटियां, इन सबको जरूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, ठीक है, या हमारी सोसाइटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेटियां, वुमेन्स, ये सब। तो देखिए वो अकेले अच्छे दिन नहीं ला पाएंगे, जिस तरीके से आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अच्छे दिन नहीं आ रहे, अच्छे दिन नहीं आ रहे, तो वो अकेले अच्छे दिन नहीं ला सकते। जिस तरीके से आप सब लोगों ने वोट दिया तब वो जाके पीएम बने, उसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए, थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी सोच ठीक करिए, थोड़ा सा कॉन्फ्रॉन्ट करिए अगर कुछ गलत हो रहा है, तब जाके अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट से अच्छे दिन आएंगे, अकेले वो अच्छे दिन नहीं ला पाएंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, वो बहुत एफर्ट दे रहे हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे एफर्ट दीजिए तो ही जाके अच्छे दिन आएंगे, है ना। देखिए ये हमारा चैनल था बिना ब्रेन के इंजीनियर्स, और विविडली स्पीकिंग को छोड़कर अगर आप डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, या फिर वोकेबुलरी, जियोग्राफी, बैंकिंग अवेयरनेस में भी इंटरेस्टेड है तो आप इसमें हमारा चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए अगर मेरे कमेंट कमेंट ये
देखिए, अगर मेरे व्यूज आपको ठीक लगते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और लेकिन अगर आपको डिफर, मतलब बेसिकली अगर आप डिफर करते हैं मेरे व्यूज से, तो भी आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, हम देखेंगे कैसे डिफर करते हैं, क्या होता है, और इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो लिखिएगा जरूर कमेंट्स में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।